साउथ के सबसे फेवरेट स्टार्स में से एक महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। महेश बाबू साउथ के सबसे फेवरेट कलाकारों में से एक है। महेश बाबू का असली नाम महेश घट्टा मनेनी है। महेश बाबू के पिता शिवराम कृष्णा घट्टा मनेनी है, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा हुआ करते थे। इस सुपरस्टार ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1979 में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद इन्होंने लगभग 8 फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1999 में आई फिल्म राजा कुमरड्डू से अपने करियर की रफ्तार दी और इस फिल्म के लिए ही उन्हें राज्य नंदी पुरस्कार से नवाजा गया। तब से लेकर अब तक महेश बाबू की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। आज भी इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाती है। इन सब के साथ ही 2013 में महेश बाबू ने शाहरुख, आमिर और सलमान को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर कब्जा जमाते हुए मोस्ट डिजायरेबल मैन बने। चलिए बताते हैं कुछ खास बातें जो महेश बाबू को बनाते हैं खास। महेश बाबू अब तक 7 नंदी पुरस्कार, 5 फिल्म फेयर पुरस्कार, 3 सिनेमा पुरस्कार, 3 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। सिंगापुर के मैडम टुसार्ड में महेश बाबू का वैक्स स्टैचू है और ये मुकाम हासिल करने वाले महेश साउथ इंडस्ट्री के दूसरे हीरो है। स्टाइल, लुक और पर्सनैलिटी में महेश बाबू साउथ इंडस्ट्री में सबसे आगे है। महेश बाबू पहले तेलुगु ना बोलना जानते थे ना पढ़ना, इसीलिए वो फिल्मों में डेब्यू के बाद अपने डायलॉग्स रटकर बोलते थे। 2002 में फिल्म बासी में महेश बाबू के साथ लीड एक्ट्रेस थी नर्मदा शिरोडकर। फिल्म की शूटिंग में दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात प्यार में बदली और फिर शादी हो गई। महेश बाबू का खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी कई फिल्में 100 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है।